सॉरी ट्विनिंग नॉमिनेशन है आज, परफॉर्मेंस है आज, और इतना बड़े शो का हिस्सा हूँ तो मुझे ऐसा था कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर आकांक्षा के साथ यहाँ पे आऊँ, एंड सब लोग जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। तो अभी आगे एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस होना है मेरा और रूपाली का, एंड नॉमिनेशन है पॉपुलर में, देखते हैं। आई जनरली पर्सनली मुझे मेरा ये मानना है कि लोगों का प्यार ही अवार्ड है, और आई एम एब्सोल्युटली फाइन अगर जिसको भी मिले, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं वही बोल रहा था कि आई एम वेरी थैंकफुल कि अ लॉट ऑफ माय फैंस हैव ऑलवेज बीन स्टक विद मी फॉर लास्ट 18 इयर्स। आफ्टर 17-18 शोज मुझे अनुपमा जैसा एक शो मिला, और राजन सर ने एक कैरेक्टर दिया अनुज का, एंड बाय टच वुड अनुज इज व्हाट अनुज इज, एंड आई फील कि अवार्ड्स तो आए ना आए, मिले ना मिले, मुझे फ्रैंकली फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरी व्यूअर, मेरे ऑडियंस मुझसे खुश हैं कि नहीं, एंड दे आर वेरी हैप्पी, और सोशल मीडिया का प्यार इस बात को जाहिर करता है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। एंड इसीलिए आकांक्षा को भी मैं अपने साथ लाया हूँ, क्योंकि हम लोग अक्सर अवार्ड्स में आते नहीं हैं, और यहाँ पे परफॉर्मेंस के मेरा एक परफॉर्मेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है, लाइव परफॉर्मेंस है आज, तो इसलिए मैं आया हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट माय लवली वाइफ अलॉन्ग विद मी। बस ये ज़्यादा हंसी नहीं मुझे देख के ये बहुत अच्छी डांसर है, मैं नहीं हूँ। अबाउट द लुक, आई एम वेयरिंग अ डिज़ाइनर विवेक गुप्ता, एंड ही इज़ रियली वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, एंड मैं जब भी इवेंट्स पे जाता हूँ, मैं आई वेयर व्हाट ही डिज़ाइंस फॉर मी, एंड आई रियली लव हिज स्टाइलिंग, एंड आकांक्षा को किसी स्टाइल की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतनी खूबसूरत है, और मैं अपना डिज़ाइन खुद करती हूँ, मैं अपनी खुद की स्टाइलिस्ट हूँ। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सजना पड़ता है जब मैं इसके साथ बाहर आता हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। यार सर, वुमेन्स डे पे कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है, यू शुड कॉम्प्लीमेंट मी लाइक ऑलवेज। व्हाट इज योर पीरियड कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, लाइक स्टैग्नेंट? तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वुमेन्स डे जो है, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में औरतों की बहुत ही ज़्यादा अहमियत रही है बचपन से। माय मॉम हैज़ ब्रॉट मी अप इन अ वेरी स्पेशल वे, उसके बाद माय सिस्टर, एंड नाउ जब से मैं बॉम्बे आया, मुझे आकांक्षा जैसी लड़की मिली, एक ऐसी वाइफ मिली जो इतनी सपोर्टिव है, एंड उसके बाद मुझे एक शो मिला जिसका नाम है अनुपमा, वो भी वुमेन सेंट्रिक शो है, और उसके बाद जो मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, जो सोशल मीडिया पे जितने मैसेज आते हैं, वो भी मेरे ख्याल से 80% जो हैं वो सब फीमेल्स हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ऐसी प्यार बनाए रखिए, एंड जो फीमेल एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सो जस्ट कीप द ब्लेसिंग्स कमिंग, एंड आई होप कि मैं आप सबको खुश कर सकूँ अपने काम से, एंड आकांक्षा आई लव यू बेबी। कॉम्प्लीमेंट, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, व्हाट कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट ये है कि मैंने आकांक्षा को जब देखा पहली बार और मुझे प्यार हो गया, और मैंने इनसे शादी कर ली, और इससे बड़ा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एंड आई फील यू शुड बी हैप्पी विद दैट। सो अंडररेटेड वाइफ, बीइंग अ वाइफ इज सो अंडररेटेड। शादी कर ली मतलब कॉम्प्लीमेंट खत्म, हम अब कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। वेरी गुड गौरव, इसलिए मैं अब कम आता हूँ अवार्ड्स में, आपने देख ही लिया होगा। चलिए आइए, चलिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।